हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में और जुड़े रहे मुझसे अच्छी अच्छी इंक्वायरी के लिए, जानकारी के लिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की जानकारी या फिर पहचान किस तरीके से करते हैं, किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। होगा कुछ नहीं, बस जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले मैसेज आपके पास जाएगा और आप उसको टच करके देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, ये मेरे पास दो ऐप हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो दोस्तों, ये हम दोनों ऐप निकाल सकते हैं अपने प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से अगर आपको नहीं मिलते हैं तो डायरेक्ट गूगल से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इनको डाउनलोड करके, चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें होता क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कुछ और। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं रजिस्टर कलर कोड के बारे में बताता हूँ किस प्रकार की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 कलर में होती है। तो हम इसको, जो हमारे पास कंपोनेंट रजिस्टर है उसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, वो हमारे पास सारी है दोस्तों। ये कलर कोड से ही चलता है और कलर कोड से ही बताता है कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये। तो चलिए दोस्तों, आपको इसमें 5 कलर वाला दिखाया मैंने आपको। चलिए और दिखाता हूँ दोस्तों थोड़े से। तो दोस्तों, ये देखते हैं आप। तो दोस्तों, इसमें हम डालते हैं 120 UF। देखिए दोस्तों, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है रेजिस्टर। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, इंडक्टर कलर कोड। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये 4 कलर में है। ये छोटे कंपोनेंट होते हैं, छोटे रजिस्टर। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये भी कलर कोड से ही चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें पीला होता है, संतरी होता है, ग्रीन होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँगा दोस्तों। बस आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कितना विन पे हमें। तो इस पे हमें 12 वोल्ट देना है। तो देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट देने के बाद हमारा सारा डायग्राम बता देगा कि किस तरीके से डिवाइडर चल रहा है, वोल्टेज कहाँ पे क्या आएगी और डायग्राम किस प्रकार काम करेगा। तो दोस्तों, हम इसमें R1 रजिस्टर ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 600 UF। चलिए दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, इसमें IC वगैरह के सब चीज़ के बारे में बता रखा है और बैटरी वाले के बारे में बताया गया है। और तो दोस्तों, इसमें PCB के बारे में बताया गया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक में सबसे मेन यही है PCB। PCB के बगैर कुछ भी नहीं है। और PCB के साथ साथ कंपोनेंट भी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि खाली PCB भी काम नहीं करेगा ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से PCB दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसमें PCB का आकार
और कितनी मोटाई है इसकी डाल सकते हैं हम, और ये कितना, ये बताएगा कितना वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं, पावर लॉस कितना हो सकता है उसमें, या फिर कितना उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर सीधा सीधा कहा जाए तो कितना उसमें लोड झेलने की क्षमता होती है। चलिए दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ। चलिए दोस्तों यह है इंडक्टर डिज़ाइन टूल। तो चलिए दोस्तों इसमें भी बताया गया है, अब हम इसमें भी देखते हैं कितना कर सकते हैं। तो अब इसमें हम तो देखिए दोस्तों इसमें सारा कुछ बताया गया है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 50 mm में कितने होते हैं, राउंड कितने होने चाहिए, टर्न कितने होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। देखिए दोस्तों ये डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है और ये डायग्राम काम करता है। देखिए दोस्तों ये आईसी वगैरह आईसी है, आईसी में इसमें हमारे 8 सिंबल दिए हुए हैं, 8 में हम लगा सकते हैं, 8 का अलग अलग सब अलग अलग काम करता है। तो चलिए दोस्तों इसमें 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको रजिस्टर एलईडी के बारे में, एलईडी में कितना आपको कितना वोल्ट्स लगाना है, कितना विद्युत द्वारा प्रवाहित करनी है, या फिर उसमें कितने पे वो फूक सकता है, कितने पे वो बच सकता है, या फिर कितने पे वो सही जलेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम इसी के बारे में जानेंगे, एलईडी रजिस्टर कैलकुलेट। चलिए दोस्तों मैं मेरे पास एक ऐप और भी है, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे ऐप में चलते हैं। दूसरे ऐप में चलने के बाद ये भी दोस्तों बहुत अच्छा ऐप है, मैंने यूज किया हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें कलर कोडेड होता है। देखिए दोस्तों हम इसमें करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, तो इसकी ऑन फ्रिक्वेंसी सब घट जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें इसकी दोस्तों इसमें नंबर इसके बढ़ जाते हैं। इसमें अभी तो हमारे पास 4 लाइन है, अब हम इसको 5 लाइन में भी कर सकते हैं और 6 लाइन में भी कर सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसमें भी यही बताया गया है, हमें इसमें सोर्स वोल्टेज देनी है 5 और एलईडी वोल्टेज देनी है 3 वोल्ट का यूज करेंगे हम। और दोस्तों हमें इसमें 12 वोल्ट करंट देना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों सारा डिटेल निकल गया है, किस तरीके से बनेगा एलईडी 166.6667 ओम का इसमें किरण तोड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सब बता दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करना है। तो इसमें दोस्तों मैं इसमें कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ। कैपेसिटर के जो उसमें नंबर होता है ये 120 तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों इसकी सारी डिटेल निकल गई है, 56 से 40 से इसकी स्टोरेज चार्जेस हैं और स्टोरेज एनर्जी इसकी जिसमें नंबर होता है कैपेसिटर में वही नंबर निकल के आ गया है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं और भी कुछ दिखाता हूँ, दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है, आप देखते रहें। तो दोस्तों इसमें चलिए दोस्तों मैं एलईडी के बारे में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें जीरो का प्रेस करेंगे तो 0 दिल जाएगा, 1 प्रेस करेंगे तो 1 दिल जाएगा, और 2 प्रेस करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें अल्फाबेट भी दिया गया है A, B, C, D, E, F। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो दोस्तों और भी कुछ
बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है। चलते हैं दोस्तों, ये आईसी के बारे में बताया। आईसी इसको बहुत से लोग ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन मेरी बात समझ तो मैं तो आईसी ही बोलूँगा, 555 आईसी। तो इसमें फर्स्ट नंबर का ग्रैंड होता है, और सेकंड नंबर का ट्रिग होता है, और थर्ड नंबर का आउट होता है, और रिसेट होता है फोन नंबर का, और VCC होता है एट नंबर, और सेवन नंबर होता है डिस्कनेक्ट नंबर, और सिक्स में होता है थर्ड नंबर, और फाइव में होता है सीवी नंबर। तो देखिए दोस्तों, इसमें सारा डायग्राम भी बना कर दिया गया है किस तरीके से डायग्राम का भी काम करता है दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, एडोनियो देखते हैं हम, देख इसमें हमारी सारी डिटेल दिख जाती है किस तरीके से इसकी क्या नंबर में कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता। तो चलिए दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो और कॉम्पोनेंट वगैरह, और मेरी भी पढ़ाई यही चल रही है, तो मैं इसी से संबंधित सारी वीडियो आपको देता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद दोस्तों। You cannot.